गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है, अभी मॉर्निंग के बज रहे 7। तो उड़िया में अभी अब चलते हैं नहाने धोने के लिए, उसके बाद फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलो है, ठीक है। सो गाइस, अब मिलते हैं नहा धो के और फिर मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट पे। चलो सो गाइस, ये है आज का ब्रेकफास्ट, पोहे और चाय। जयपुर का स्पेशल फूड है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, राइस और टमाटो ऑनियन, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है इसमें। तो ये स्पेशल जयपुर का पोहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाते हैं इसको यहाँ पे। तो आज हम भी ट्राई करते हैं इसको। आज इसमें दिख गए हैं मुझे करी लिप्स, बिकॉज ऑफ आई हैड करी लिप्स थ्रू। ये है अर्ली मॉर्निंग का व्यूज़, 10 o'clock, क्योंकि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था तो सोचा ब्रेकफास्ट करने का। तो ब्रेकफास्ट करने तो आया था मैं ऊपर, तो अभी है टेरेस में। ये टेरेस से आप देख सकते हैं व्यू सामने का जयपुर। ना धूप है ना गर्मी है, इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कि क्या बताया यार। आज बहुत अच्छा मौसम, लगभग शायद मुझे लग रहा शाम तक बारिश भी आ जाए। तो देख सकते हैं आप, देख सकते हैं होटल। तो गाइस देख सकते हैं मॉर्निंग का 10 o'clock व्यूज है ये। आज मैं मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मेरा काम है। आज मुझे सिम पोर्ट कराना था वोडाफोन टू एयरटेल। तो सुबह सुबह का नज़ारा कितना मस्त हो रहा है, धूप भी नहीं है बिल्कुल भी, ठंडी हवा और बारिश आने लायक मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है मतलब बाहर का। आज ये है राइट नाउ 10 o'clock जयपुर। ये है जयपुर का लाइव मार्केट। मौसम देखो, गजब का मौसम हो गया, बाहर बारिश होने वाली होगी भाई यहाँ धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में बारिश हो जाएगी यहाँ पूरी। तो अभी मैं हूँ गणपत प्लाजा जयपुर में, जो मैं सिम पोर्ट कराने आया था। सिम पोर्ट मेरा हो गया, अभी 5 डेज के बाद मेरा सिम चालू हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे पीछे गणपत प्लाजा, एयरटेल का सर्विस सेंटर यहीं पर है पीछे। जब से आया हूँ अंदर ही अंदर हूँ, आज एक हफ्ते के बाद मैं बाहर निकला हूँ। अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। तो ये सामने होटल, इसके अंदर एंटर करेंगे हम अब और निकलेंगे अपने रूम की तरफ। सुबह नहा धो के हो गए रेडी, अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए। अभी हो रहा है दिन के 1 बज गए अभी टाइम, तो अब चलते हैं ड्यूटी के लिए। ऊपर सीधे ऊपर मिलते हैं टेरेस में, किचन में। तो चलो, तो यहाँ से है अभी 4th फ्लोर, ऊपर चढ़ना है हमें टॉप में 4th फ्लोर में, और हम यहाँ से जाएंगे ऊपर को। आप चलो। जिस दिन से यहाँ जयपुर में आया भाई, मौसम बहुत गजब हो रहा है कसम से। हम आए तो बाहर आ गई, क्या बोलते हो भाई। तो कैसे देख सकते हैं आप जयपुर के मेट्रो स्टेशन, केवल 4 डिब्बे, इसमें 4 डिब्बे वाला मेट्रो है। यहाँ तो कम से कम 10-15 मिनट के बाद एक मेट्रो आती है यहाँ पे, वो भी 4 डिब्बे इसमें केवल, देख सकते हो आप। जैसे दिल्ली में हर एक मिनट में, हर आधे सेकंड में, हर 30 सेकंड में मेट्रो आती है यहाँ पे, काफ़ी लेट आता है और पैसेंजर भी बहुत कम है। सुबह अभी बज रहे दिन के 3 और अब हो गया लंच का टाइम। तो आज का खाना कुछ स्पेशल, दाल चावल और सलाद के साथ। सो ये है आज का मेरा खाना, दाल चावल और सलाद, और मैंगो की चटनी भी है इसमें, तो बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का लंच। घर जैसा टेस्ट है यार मैंगो चटनी और प्याज में चटनी। सो गाइस अभी बज रहे रात के 9 और अभी चल रहा है किचन में तगड़ा वाला काम। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं थोड़ा किचन में, कैसे चलता है, कैसे लोग बना रहे हैं वो सब दिखा देते हैं। चलो, ये देखो यहाँ पर हमारा शेफ बना रहे हैं बनारसी पनीर टिक्का, ये देख सकते हो आप। इसमें पान के पत्ते और गुलकंद भी ऐड होगा। ये पूरा पान के स्टाइल में देंगे इसको, पान बनारस का मतलब पान, बनारस का जो पान स्पेशल होता है वैसे इसको पूरे पान के स्टाइल में दे रहे हैं पनीर टिक्का को। गुलकंद सारा पान का पूरा मटेरियल है इसमें, देख सकते हो आप। ये ऐड होना होगा गुलकंद, इसके नीचे हमारा मटन घी रोस्ट रेडी हो गया। इसका नाम क्या है? ये साबूदाना क्रैकर्स और ये मटन नली। अभी इसमें और भी ऐड होना होगा, बस गार्निश डालेंगे, बढ़िया डेकोरेशन करेंगे इसको। ये देख सकते हो, बड़े भैया भी लग रहा है यार, खतरनाक लग रहा है। आज हम बनाने वाले हैं सुशी वाटर चेस्टनट, इसके ऊपर टॉपिंग होगी अभी वेजिटेबल की। सबसे पहले बम्बू सीड, उसके बाद मूरी सीड, उसके बाद
सुशी राइस, सुशी स्पाइस्ड। अब इसको फोल्ड करा जाएगा। अब इसके ऊपर टॉपिंग होगी, टॉपिंग सबसे पहले दसागे मेयो, वेरी स्पाइस्ड, ये बहुत स्पाइसी होता है। अब ग्रीन वेजिटेबल, सबसे पहले कुकुम्बर, उसके बाद कैरेट, अब डाल देंगे इसके ऊपर एडमामे, जो हमारे गांव में जिसको बोलते हैं भाटा, हरे भाटा। उसके बाद वाटर चेस्टनट जाएगा उसके ऊपर टॉपिंग में। इसको घर पे भी आसानी से ट्राई कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई बनाना चाहे घर पे तो। एवोकाडो के स्लाइस इसके ऊपर टॉपिंग होंगे। नाउ वेजिटेबल का टॉपिंग, उसका रैप किया जाएगा फोल्डिंग में गोल गोल, देख सकते हैं आप। बहुत केयरफुली से इसको रैप करना पड़ता है गोल गोल बना के। उसके बाद इसकी कटिंग होगी लास्ट टाइम। अब इसकी होगी कटिंग। इसको गोल 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 स्लाइस में इसको कट कर देंगे हम 2, 4, 6 पीसेस में। अब होगी इसकी प्लेटिंग। इस तरीके से इसका प्लेटिंग करना है। उसके बाद इसके यहाँ जिग जैक यूनिस, जो इसका स्पाइस है मेनुस, स्पाइसी म्यूनिस, इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे स्पाइसी म्यूनिस का। साथ ही म्यू की गोल गोल बिंदे बिंदे डालेंगे फॉर गार्निश, अच्छा लगता है दिखने में, ग्रीन ग्रीन रेड रेड। साइड में आ गया पिकल जिंजर, इसका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जो दिखता है इसमें। पार्टी स्नैक्स, क्रिस्पी पार्टी स्नैक्स, ये एंडिंग है इसका, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें टॉपिंग होंगे माइक्रो ग्रीन्स, देख सकते हैं आप, जबरदस्त लग रहा है। सुशी प्लेट और गजब, ये